नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube शॉर्ट्स पे अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और बड़ी खुशखबरी क्या है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स में जो आपका टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट से छोटा वीडियो जो है आप YouTube पर YouTube शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। अब होता क्या है कि YouTube शॉर्ट्स जब डालते थे तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता था। कुछ भी बेनिफिट कहने का मतलब कि उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते थे, लेकिन जो वॉच टाइम होता था वो आपका कैलकुलेट नहीं होता था। ना ही अगर मैं मोनेटाइजेशन की बात करूं, ना ही इनकी पैसे कमाने की बात करूं, तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है नई जो खुशखबरी आई है आप सभी के लिए, जो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी उत्पन्न करे कि वो ये है कि अब जो है YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से आपको वॉच टाइम भी मिलेगा और YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से आपको पैसा भी मिलेगा, यानी कि दोनों चीज जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो उस आप शर्त को सावधानी से समझिएगा कि आखिरकार वो शर्तें क्या क्या हैं। बात करें तो जिस तरीके से YouTube शॉर्ट्स पे आप अगर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप देखते होंगे कि यूट्यूब का जब आप मतलब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स का जो है अलग ऑप्शन यानी कि अलग जो है फीचर दिखता है, उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें जो है आपको बस शॉर्ट्स वीडियोस ही दिखाई देती है, यानी कि उसमें जो है आप छोटी छोटी वीडियोस अलग अलग क्रिएटर्स के जो हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो वीडियोस बनाएंगे अगर उस वीडियोस को अगर कोई यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से देखता है तो उसका वॉच टाइम आपके चैनल पर कैलकुलेट नहीं होगा और ना ही उसका आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वॉच टाइम जिसका काउंट होगा उसको मैं अब बता देता हूं। बात करें तो अगर आपका वीडियोस कोई सर्च कर देख रहा है, यानी कि कोई सर्च किया वीडियो और उस सर्च वीडियोस में आपके वीडियोस को देख रहा है, तो जो उसका वॉच टाइम कैलकुलेट होगा वो जो है वो आपका वॉच टाइम आपके चैनल में कैलकुलेट होगा। अगर आपका वीडियो जो है वो किसी के ब्राउज फीचर में जाता है या फिर वो वीडियो किसी को सजेशन में जाता है, रिकमेंड किया जाता है YouTube शॉर्ट्स पर नहीं बल्कि YouTube चैनल पर, यानी कि किसी और का वीडियो देख रहे हैं वहां पर YouTube का जो शॉर्ट्स है वो सजेस्ट किया गया, वो रिकमेंड किया गया, अगर वहां से व्यूअर्स आते हैं तो फिर वहां का जो वॉच टाइम होगा वो आपके चैनल के लिए इम्पैक्टेबल होगा, यानी कि वो आपके चैनल पर जो वॉच टाइम उसका मिलेगा वो काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके YouTube शॉर्ट्स पे अगर व्यूज आते हैं तो उसको वॉच टाइम के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात कर लेते हैं YouTube के जो शॉर्ट्स वीडियोस डालेंगे उसके रिवेन्यू को लेकर। तो रिवेन्यू में कुछ लोचा है। रिवेन्यू में लोचा ये है कि अगर आप कोई कॉपीराइट मटेरियल डालते हैं या फिर यूट्यूब का कोई ऐसा डालते हैं जिसपे कि गाने वगैरह बज रहे हैं तो उसपे जो है आप रिवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बोल के वीडियोस डाला या फिर YouTube के म्यूजिक को, YouTube के जो म्यूजिक होते हैं उस पे आपने कोई वीडियोस बनाया, लेकिन जो शॉर्ट्स में मिले हुए हैं ऑडियो उस पे आप नहीं बना सकते, उस पे आप बनाएंगे तो फिर रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप कुछ बोल के 1 मिनट से छोटा का डालते हैं, अगर वो वीडियोस अलग अलग जगहों से देखी जाती है तो फिर जो है उसका आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि नए क्रिएटर्स के लिए या फिर कोई भी क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो जो है रिवेन्यू भी जनरेट कर सकता है और उसका चैनल पे वॉच टाइम भी कैलकुलेट होगा। तो है ना गजब की जानकारी। मुझे लगा कि आप सभी को अपडेट देनी चाहिए, तो अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।